नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 80 नंबर का पेपर, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023-24 के लिए। यह एक वायरल पेपर है। इस वायरल पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पेपर में आपको हिंदी का जो आपका पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, पेपर में क्या आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप यहां पर देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। पूरा क्वेश्चन नंबर 23 तक मैं हल करवाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे। यही क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। पूरा क्वेश्चन वायरल पेपर है आपका ये। देखिए, सभी निर्देशों को भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। निर्देश 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 30 शब्द रहेंगे। पूरा है ये आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। चलिए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आपके क्या आने वाले हैं। देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। बस लास्ट तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगाना है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो सुनहले सूरज में जो अलंकार है वो हो जाएगा अनुप्रास। प्राक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था, तो प्राक गोरखपुरी का जो वास्तविक नाम था वो था रघुपति सहाय। रघुपति सहाय उनका वास्तविक नाम था। फिर मत बोलना क्वेश्चन बताए नहीं, अभी बता रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस आधार पर आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, देख लीजिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पूरा वायरल पेपर है। किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये अभी आपको बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। परचेजिंग पावर का अर्थ है, परचेजिंग पावर का जो अर्थ होता है वो होता है खरीदने की शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं। पहलवान की ढोलक पाठ लिखने वाले लेखक कौन है, यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका मिलेगा आप लोगों को फणीश्वरनाथ रेणु, करेक्ट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ, तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1907 में, और इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई, कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट ऐसे जो टॉपर की लिस्ट में आते हैं, जो मुझे बता सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का हरिबच्चन की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये तो मैंने बता दिया आपको, मुंबई में हुई थी, लेकिन कौन से सन में हुई थी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या को कहा जाता है। देखिए, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहा जाता है, वर्ण तो कहते नहीं हैं, उसको शब्द भी नहीं कहते हैं, उसे पद भी नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्दों की बात हो रही है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे तो एक वाक्य बनेगा,
है ना, तो वाक्य आपका राइट आंसर होगा। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, तो बाजार के दर्शन कहाँ पर होता है, कौन करते हैं बाजार के दर्शन, वो करते हैं जैनेन्द्र कुमार, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, जूझ रचना किस लिए लिखी गई। तो देखिए, जूझ रचना जो लिखी गई हो मराठी कवि बनने के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए या कवि बनने के लिए, तो नौकरी के लिए लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली है। देखिए, समाचार लेखन की शैली जो होती है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जग जीवन का। ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, दसवां रस माना गया है, दसवां रस कौन सा माना गया है। यहाँ से 32 ऑब्जेक्टिव आपके पक्के हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दसवां रस माना गया है, तो वात्सल्य रस को दसवां रस माना गया है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। अगला क्वेश्चन है, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के कितने बच्चे, 3 बच्चे। बच्चों का नाम सरल, संयुक्त, मिश्रित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए। देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे, ये क्वेश्चन मेरे सभी दोस्तों के लिए है, कि जो आपने लास्ट वाला 18 चैप्टर पढ़ा होगा, तो बताइए मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो देखिए, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो अभिनय, दृश्य, संवाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रेडियो में क्या अनिवार्य है, सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य है वो संवाद, संवाद अनिवार्य है। अभिनय तो कोई रेडियो में होता नहीं है और उसमें कोई दिखाई देता नहीं है, उसमें संवाद क्या होता है, अनिवार्य होता है, उसमें संवाद चलते हैं, मतलब बातें चलती है दो लोगों के बीच में, हो सकती है वो अधिक लोगों के बीच में भी हो सकती है। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, तो हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है भारतेंदु युग को। उषा का अर्थ है, उषा का जो अर्थ होता है वो होता है भोर। अगले क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे भाई बहन कक्षा 12वीं वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर करिएगा जरूर, ताकि पता चल सके कितने विद्यार्थी ने हमारे इस वीडियो को देखा है, ठीक है, तो करिएगा ज़रूर। और जिन दोस्तों को अगर चैनल पर आने वाले वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला, दमदार क्वेश्चन है, छाप के रख लो इस क्वेश्चन को, अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए और इन क्वेश्चनों को लिखिएगा कि यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो राइट आंसर होगा 25वीं। कबीर को हजारी प्रसाद ने कहा है भाषा का डिक्टेटर कहा है। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो तुलसीदास जी के अनुसार एक ही व्यक्ति है जो पेट की आग को बुझा सकता है, उनका नाम है राम। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको लिखने वाले चंद बरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति कहाँ की रहने वाली थी, बता दीजिए मुझे भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी। मत लगा देना, झुंझुनू भी नहीं लगाना है, झालावाड़ भी नहीं लगाना है, झुंसी लगाना है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है,
तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो होगी लक्षणा, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, सूर्य उदय हो गया, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति आपकी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि बच्चन शीतल वाणी में लिए फिरते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी शीतल वाणी में क्या लिए फिरते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही क्वेश्चन जो है ये वह क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में आग लगा रहे होंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27वां, जिटोत का अर्थ है, जिटोत का अर्थ होता है देवर, जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र आपका राइट आंसर होगा। रस के अंग होते हैं, तो रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, चार, विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो वहाँ कौन सा गुण होता है, तो वहाँ पर जो गुण होता है माधुर्य गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 30, सिल्वर वेडिंग कहानी में किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है, एंकर वाइट, फोन इन, एंकर पैकेज, लाइव, लाइव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 और ऑब्जेक्टिव नंबर आपका 32 है, तो स्टूडेंट्स अतिसूदो इसने को मारग है, जहाने को सहनपन बांक नहीं पंक्ति में गुण है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं मान लूँगा कि आप की जो तैयारी चल रही है कक्षा 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो स्टूडेंट्स हो जाइए स्टार्ट और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अतिसूदो इसने को मारक, इसमें आपको गुण बताना है, ठीक है, और एक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, इसमें ओज गुण नहीं है और इसमें मनीमाल भी नहीं है, इसमें माधुर्य और प्रसाद में से एक गुण है, बता दीजिए, लाइफलाइन मैंने आप लोगों को दे दी है, तो यहाँ पर जल्दी से मुझे राइट आंसर का जवाब दीजिए, इंतज़ार करूँगा मैं आप लोगों का, इस क्वेश्चन के आंसर का सही आंसर दीजिएगा, गलत आपको टिक नहीं करना है, सोचिएगा समझिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताऊंगा, आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी अगर डेली आपने वीडियोस को देखे तो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।